हेलो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में सीखेंगे कि रिफ्लेक्शन कलर कैसे तैयार किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बॉर्डर के यहाँ पास हमने रिफ्लेक्शन बनाए हुए हैं, तो इसको कैसे तैयार किया जाता है आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पास दो इमेज ओपन कर लेते हैं जो कि यहाँ पास वाटर का और बॉटल का है। अब वाटर के ऊपर हम यहाँ पास से बॉटल को ला लेते हैं। तो हम इस बॉटल को इस प्रकार से खींच के वाटर के ऊपर ला लेंगे और इस जैसे इमेज बड़ा है तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। कॉर्नर में क्लिक करके इस प्रकार से छोटा कर लेंगे और इसको बीच में एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले मूव टूल में क्लिक करेंगे, अप्लाई में क्लिक करेंगे और फिर मैजिक टूल में क्लिक करेंगे। यहाँ पास वाइट में सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पास पूरा देखेंगे सेलेक्ट हो गया है। अब इसको हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये जो बैकग्राउंड है वो पूरा रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अब इसको हम एक रिफ्लेक्टेड कलर बनाएंगे, न्यू लेयर तैयार करेंगे। उसके लिए इस प्रकार से खींचेंगे तो यहाँ पास जो है एक लेयर तैयार हो जाएगा जो कि बॉटल का है। उसके बाद हम इसको उल्टा करने के लिए यहाँ पास देखेंगे, ऊपर में यहाँ पास क्लिक करेंगे और इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पास राइट क्लिक करेंगे, फ्लिप वर्टिकल में क्लिक करेंगे तो ये जो बॉटल है उल्टा हो जाएगा। उसके बाद नीचे में इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे, इसको छोटा बड़ा नहीं करेंगे, इसके बराबर ही रखेंगे। फिर यहाँ पास से मूव टूल में क्लिक करेंगे, अप्लाई में क्लिक करेंगे और इसका एक लेयर मास्क बनाएंगे। फिर इसको खींच के यहाँ पास लेयर मास्क में इस प्रकार से करेंगे तो इसका लेयर मास्क इस प्रकार तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पास ग्रेडियंट टूल में क्लिक करेंगे, यहाँ पास क्लिक करेंगे, देखेंगे ग्रेडियंट टूल। उसके बाद ऊपर में देखेंगे यहाँ पास ब्लैक एंड व्हाइट है तो सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में। उसके बाद यहाँ पास देखेंगे नॉर्मल में यहाँ पास क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे कैपेसिटी का ऑप्शन है, इसको 70 से 80 के बीच में रखना है। कैपेसिटी को आपको इससे कम ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद आपको इस प्रकार से खींचना है, यहाँ पास देखेंगे इस प्रकार से आप करेंगे तो ये जो है रिफ्लेक्टेड कलर में हो जाएगा। नीचे से ऊपर करें तो आपका जो है बॉटल का रिफ्लेक्शन इस प्रकार से बनेगा। तो इसको आप अच्छे तरीके से बनाने के लिए यहाँ पास एफएक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप्स शैडो में क्लिक करेंगे, इनर शैडो में क्लिक करेंगे और यहाँ पास घड़ी का जो है इसको आप नीचे में रखेंगे और यहाँ पास आपको ब्लैक में कलर में सेलेक्ट करके रखना है। ऊपर में देखेंगे ब्लैक कलर और इस प्रकार से इसको कम ज़्यादा करेंगे तो इसका जो है नीचे में देखेंगे ब्लैक जो है आवरण इस प्रकार से बन जाएगा जो कि यहाँ पास आपको रियल रिफ्लेक्शन का यहाँ पास से आपको इमेज बना के देगा। तो आप फोटोशॉप में इस प्रकार से रिफ्लेक्टेड कलर बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।